Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 14th वीडियो। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्नैप ड्रैगन अ रेड फ्लावर वॉज क्रॉस्ड विद अ वाइट फ्लावर एंड इन F1 जनरेशन पिंक फ्लावर वर ऑब्टेंड। When pink flower was self, the F2 generation showed white, red and pink color. Choose the incorrect statement from the following. तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था आपके जेनेटिक्स के 5th चैप्टर में 12th क्लास में, जो कि है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जिसमें हमने देखा था कि आपका एक फ्लावर है रेड कलर्ड, एक फ्लावर है वाइट कलर और आपको जो F1 प्रोजनी मिलती है वो पिंक कलर्ड है। जब पिंक कलर्ड मींस F1 जनरेशन प्रोजनी को सेल्फिंग किया गया, क्रॉस किया गया, तो हमारे पास जो F2 जनरेशन आई उसमें पेरेंट के दोनों कलर प्रेजेंट थे, दैट इज़ रेड एंड वाइट, और जो हमारा हाइब्रिड कलर है दैट इज़ पिंक वो भी प्रेजेंट था। तो यहाँ पे बोला है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ लिखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि आपके जो गेमीट्स हैं वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से ड्यूरिंग मियोसिस, और आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो उन गेमीट्स में एज अ जीन्स प्रेजेंट हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये सभी एप्लीकेबल है वहाँ पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता तो हमें F1 जनरेशन में किसी एक पेरेंट का कलर डोमिनेंटली शो होता। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से आपका 12th क्लास जेनेटिक्स से ये क्वेश्चन आया है, मेल फ्रूट फ्लाई इज हेटरोगेमेटिक। बिल्कुल सही, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, उनमें जो मेल्स हैं उनके पास XNY क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इन मेल ग्रासोपर 50% ऑफ स्पर्म्स हैज नो सेक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता है हैंकिंग ने जब जो मेल ग्रासोपर है उनके टेस्टीज में के माइक्रोस्कोपिक उनमें उन्होंने देखा कि जो टेस्टीज का जो स्मियर है, जिसमें माइक्रोस्कोप में ये पता चला कि जो कुछ स्पर्म्स हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम है और कुछ स्पर्म्स में कोई भी आपका क्रोमोसोम नहीं है, एब्सेंट है, इसीलिए हमने हैंकिंग के डिस्कवरी से हमें पता चला XO सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि आपके ग्रास ओपर में देखी गई है। नेक्स्ट आपको बताया गया है इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स सेक्स ऑफ प्रोजनी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि बर्ड्स के सेक्स डिटर्मिनेशन में मैंने आपको बताया था कि वहाँ ZZ एंड ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, जिसमें आपकी जो फीमेल बर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका जो एग है उसका जो सेक्स मेल होगा या फीमेल है उसे डिसाइड करने में। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोजोम मच शॉर्टर देन द अदर। बिल्कुल सही, आपका XNY क्रोमोजोम, जो आपका वाई क्रोमोजोम है वो स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम है। नेक्स्ट है थायोबेसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। तो इसके बारे में हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था, तो थायोबेसिलस जो प्रोसेस करवाता है दैट इज डी नाइट्रीफिकेशन, मीन्स जो आपका नाइट्रेट नाइट्राइट है उसे वापस एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं आपके थायोबेसिलस। नेक्स्ट इज पॉली ब्लेंड अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज प्रूव टू बी गुड मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। तो ये हमने आपका पढ़ा था इकोलॉजी के लास्ट चैप्टर में 16th में, जिसमें हमने देखा था कि पॉली ब्लेंड वो मिक्सचर है प्लास्टिक का जिसे यूज़ किया जाता है रोड्स कंस्ट्रक्शन में। इसमें हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी आपकी कि आपके एक प्रोफेसर हैं अहमद खान, जो कि बैंगलोर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में है, उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि हम प्लास्टिक को मोल्ड करके इनके जो भी पीसेस हैं उनको हम मिक्स कर सकते हैं आपके रोड कंस्ट्रक्शन के मटेरियल में, जिससे रोड की जो लाइफ है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिफ्थ है फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ फीमेल गेमिटोफाइड विद डेवलपमेंट यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन।
तो ये मैंने आपको चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में बताया था कि आपके टेरिडोफाइट्स ऐसे फर्स्ट प्लांट्स हैं जिनमें देखा गया कि जो आपका सीड डेवलपमेंट है वो फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो भी आपके प्लांट्स हैं एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एंड वो वाटर पे डिपेंडेंट है। क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको स्केलेटल सिस्टम जहाँ हमने पढ़ा था लोकोमोशन 11th क्लास में, वहाँ से ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो आपकी 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब है ये तो आपके स्टर्नम से मिलती ही नहीं है, ये अटैच होती है आपकी 7th रिब से। 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हेलाइन कार्टिलेज, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी जो 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स हैं उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ईच रिब इज अ फ्लैट थिन बोन एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द थोरेसिक वर्टिब्रे, तो यहीं पे गड़बड़ हो गई कि सारी जो रिब्स हैं वो डॉर्सली कनेक्टेड हैं आपकी थोरेसिक वर्टिब्रे, सारी तो आपकी है ही नहीं कनेक्टेड। और वेंट्रली स्टर्नम से हमने अभी देखा कि आपकी ये तीनों तो 7th रिब से अटैच्ड है और ये तो फ्लोटिंग रिब है, तो डॉर्सली और वेंट्रली कनेक्ट होने की बात ही नहीं आती। सही स्टेटमेंट है आपका देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रो क्रॉन्ड्रल एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स, तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज कॉनकैविलिन ए इज, तो ये आपको बायोमोलिक्यूल में एक टेबल दिया है जहाँ हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा था। तो कॉनकैविलिन ए आपका वो मटेरियल है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपकी जैक बीन से, और कॉनकैविलिन ए आपका बाइंड होता है मैनोज रेसिड्यू से ऑफ वेरियस ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो ये आपकी मेम्ब्रेन पार्ट्स हैं और ये एक्टिवेट करता है आपके लिम्फोसाइट्स को। 8th क्वेश्चन आपको थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा गया है। एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस ऑकर, यहाँ आपको पूछा है कि सेकेंड पोलर बॉडी ऊजेनेसिस के दौरान कब बनती है, तो सेकेंड पोलर बॉडी कब बनेगी, जब स्पर्म एंट्री करेगा, जिसकी वजह से जो आपका का सेकेंडरी ऊसाइट है जिस जो अभी मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है बिफोर फर्टिलाइजेशन, वो ऊजेनेसिस कंप्लीट करेगा, हमें मेच्योर ओवम मिलेगा एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी मिलेगी, तो आपका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन इज पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज, तो ये मैंने आपको बताया भी था प्लांट किंगडम के चैप्टर में कि वहाँ पे फंगल एसोसिएशन होती है, माइकोराइजा फंगस एसोसिएटेड होती है विद द रूट्स ऑफ दीज प्लांट, तो ये ऑब्लिगेट एसोसिएशन है जिसमें आपकी फंगस रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स में वहाँ रह रही है और नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, प्लस और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल से वो आपके प्लांट को प्रोवाइड करती हैं और हेल्प करती हैं प्लांट के डेवलपमेंट में। द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनारियो इन 1992 वॉज कॉल्ड, तो इसके बारे में हमने इकोलॉजी के चैप्टर में पढ़ा था, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो आपके जो अर्थ समिट है उसका मेन गोल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। इसके अलावा हमने और भी प्रोटोकॉल्स देखे थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये सभी जो प्रोटोकॉल्स हैं इकोलॉजी में इन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसके साथ हमारे 130 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपने फर्स्ट नीट सीरीज नहीं देखी है पार्ट 1 से पार्ट 10 तक, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाला है, आप वहाँ से 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी नीट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज की सेकेंड सीरीज है 11 to 20, जिसमें हम और 100 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।